नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज सितंबर की 1 तारीख है। आज मैं उन भाई बहनों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो कि गार्डनिंग में नया नया हाथ अपना आजमा रहे हैं, नए नए एक्सपीरियंस ले रहे हैं और गार्डनिंग करना सीख रहे हैं। ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। तो एक मेरी दोस्त जो प्रीति परमार हैं, उन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे वीडियो बनाएं जो शुरुआत कर रहे हैं अभी गार्डनिंग की। तो ये आज मैंने ऐसा प्लांट चुना है, ये लिली का प्लांट। ये इतना हार्डी प्लांट है, इसमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस कुछ एक बातों का ध्यान रखा जाए तो ये सालों साल प्लांट आपके घर में बना रहेगा। ये सर्द इलाकों में भी अच्छे से चलता है और गर्म इलाकों में भी चलता है। और गर्म इलाकों में इसे उस टाइम थोड़ी प्रॉब्लम होती है जबकि लू का टाइम होता है, लू चलती है गर्मियों में, मई जून में भरपूर गर्मियाँ होती हैं और गर्म हवाएं चलती हैं। तो उस टाइम आप इसे बस छाया में रख दीजिए। और जो सर्द इलाके होते हैं तो जैसे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, फ्रोस्ट वगैरह पड़ती है, तो उस टाइम वो मल्चिंग वगैरह कर सकते हैं। ग्राउंड में रखा है, अगर पोट में लगाया है तो वो फिर इनडोर रख सकते हैं। और फिर जब स्प्रिंग आता है तो लेट स्प्रिंग से लेके स्प्रिंग में फिर ये हरा भरा हो जाता है। अगर ग्राउंड में वो अगर मर जाता है वो, तो नीचे बल्ब जो हैं वो हरे भरे रहते हैं। और गर्म इलाकों में तो ये चलता ही रहता है। और आप इसे पानी जो है, इसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। ड्रेनेज सिस्टम आपने अच्छा रखना है और ये पॉट में भी अच्छे से चलता है और मिट्टी में भी, ज़मीन में भी खूब अच्छे से चलता है। तो लोग गार्डन में इसे क्यारियों में खूब लगाना, बॉर्डर के रूप में लगाना पसंद करते हैं। इसके जो फूल हैं वो लेट स्प्रिंग से समर में भी और बरसात में भी आते रहते हैं। तो जैसे कि ये देखा आपने, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फूल। ये जो मैंने जिस डिब्बे में, प्लास्टिक के डिब्बे में लगा रखे हैं, वेस्ट मटेरियल का जो प्लास्टिक का डिब्बा है, जैसे बोतल का मटेरियल होता है, तो उसमें ये कई सालों से ये मेरे प्लांट लगा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये प्लास्टिक के डिब्बे में भी अच्छा चलता है और दूसरे, चाहे किसी दूसरे पॉट में लगा दो, चाहे आप सीमेंट के पॉट में लगाओ, चाहे आप किसी और पॉट में लगाओ, ये बहुत ही अच्छे से चलता है। मिट्टी वाले पॉट में जो जैसे होते हैं बहुत अच्छे से। तो इसमें बस पानी ही देना पड़ता है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस एक बारी जो आप मिट्टी बनाते हैं तो वो आप आधा हिस्सा आप गार्डन की मिट्टी लीजिए और जो आधा हिस्सा है वो आधी कंपोस्ट और आधी आपने गोबर की खाद मिक्स करनी है। और थोड़ी सी आप इसमें एक तो मुट्ठी रेत की डाल सकते हैं, मिला सकते हैं, तो वो जो मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाएगी। ड्रेनेज सिस्टम से आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो सॉफ्ट मिट्टी से फिर ये उसकी जड़ें भी खूब अच्छे से फैलेंगी। तो मिट्टी बनाने का जो तरीका है वो मैंने वीडियो नंबर 216 बनाया हुआ है, उसमें मिट्टी कैसे बनानी है, भरनी है पोट में, तो आप उसमें मदद ले सकते हैं। तो जो मैंने एक अभी पहले वीडियो ये बना चुकी हूँ, वीडियो नंबर 172, उसमें मैंने इसे ग्रो करना सिखाया हुआ है। और एक वीडियो मैंने 79 बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने इसको हैंगिंग बास्केट बनाई हुई है। उसमें मैंने वो मोस ग्रास और मिट्टी का इस्तेमाल किया और इतने अच्छे से फर्न के साथ इसे लगाया हुआ है, खूब अच्छे से। तो ये अलग बात कि टाइम के साथ वो मेरा जो प्लांटर था, हैंगिंग पॉट जो बना रखा था, तो वो टूट गया था। फिर उसके बाद मैं उनको कहीं ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई। तो ये बहुत ईजिली चल पड़ते हैं और सालों साल आपके गार्डन में रहते हैं। तो अगर आप ज़मीन में ग्रो करते हैं तो ज़मीन में ये इतने फैल जाते हैं कि ये बीड़ की तरह हो जाते हैं और फिर आपको ये निकालने पड़ते हैं, ये फैलते ही जाते हैं। और जब आप ज़मीन में लगाते हैं, कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि पूरा साल भर, जब जिस टाइम ये बारिशें वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं तभी इनको रेन लिली कहा जाता है। तो जो लोग पानी वगैरह, जहाँ सुविधा नहीं होती है खेतों में, नहीं पानी बस बारिशों का पड़ता है, तो बारिशों के टाइम ये अपने आप ही निकल आते हैं। बल्ब जो नीचे ज़मीन में दबे होते हैं हरे भरे, और इन पे फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लोग बस उसी सीज़न के लिए इसे रखते हैं, फ्लावर्स वगैरह के लिए रखते हैं, और उसके बाद फिर इसे पानी नहीं देते हैं तो ये पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो
तो जब ये खत्म हो जाते हैं, ये जो पौधे हैं ये हरे भरे, ये देख रहे हैं आपकी इसकी पत्तियां, जब ये पूरी तरह से खत्म सूख जाती हैं, तो आप ये नहीं समझें कि हमारा जो प्लांट है ये मर गया। जब इस पे जो बल्ब है वो हरा भरा रहता है, जब जैसे ही पानी पड़ता है तो ये अपने आप हरे भरे होने लगते हैं और फिर फूल भी सीजन पे इसके आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसे मिट्टी का भी मैंने बता दिया कि मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए और पानी जो है इसे हर सीजन में चाहिए। अगर बरसातों में बाहर लगाए, खूब बरसातें आपकी हो रही हैं, तब तो फिर पानी देने की जरूरत नहीं है, नेचुरली तौर पे बरसातों का इस पे पड़ ही रहा है। तो अगर बरसातें कभी कभार बीच बीच में होती हैं तो फिर आपने हर रोज पानी देना है ऐसे, चाहे गर्मियाँ हो, चाहे सर्दियाँ हो, चाहे बरसात हो। तो जैसे कि मेरे यहाँ बरसातें बहुत कम हो रही हैं तो मैं इसे हर रोज पानी देती हूँ। और धूप जो है इसे, धूप सुबह से लेके मैंने जैसे 6-7 घंटे की धूप मिल रही है, तो मेरे यहाँ पे जहाँ जिस जगह पे रखा है तो सुबह से आना स्टार्ट हो जाती है, तो 1:30-2 बजे तक वहाँ रहती है, तो 7-7.5 घंटे तक इसको धूप आराम से मिल जाती है। तो ये देखो खूब अच्छे से खिला पड़ा है और कितने अच्छे से। और मैंने ये देखा कि जो प्लास्टिक के पोट में अगर लगाते हैं तो उसमें खूब अच्छे से चलते हैं, क्योंकि मिट्टी जो इनको मॉइस्ट मिट्टी पसंद रहती है, इनकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। आप ये इंतज़ार मत करिए कि पहले मिट्टी सूख गई फिर हमें पानी देना है, आप इसने इसको आपने हर रोज़ ही पानी देना है। फिर कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इनकी जो पत्तियां हैं, अगर पानी सूखने का आप इंतज़ार करते हैं तो ये पत्तियां फिर सूखने लगती हैं, और एक बार थोड़ी सी सूख जाती हैं तो वो फिर गंदी जैसी लगती हैं, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो गंदे से हिस्से सूखे हुए आपको हटाने पड़ेंगे। तो अगर आप रोज़ पानी देते रहेंगे तो ये फिर हरा भरा रहेगा, और बीच बीच में जब ये सूख जाता है, कोई कोई पत्तियाँ सूख जाती हैं तो ज़्यादा नहीं सूखती हैं, कभी कभार जब अगर पानी आप भूल जाते हो, अगर नहीं देते हो, तो फिर आप कभी भी किसी दिन बैठ के पत्तियाँ वो निकाल सकते हैं, कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आज मैं बताऊँ इसको कैसे ग्रो करना है। ये मैंने जैसे एक बोतल में ये कुछ मिट्टी अपने गार्डन की ये भरी हुई है, और इसको ये सूखी पड़ी थी बोतल में, इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है तो ये होल्ड कर दिया है। और ये मैंने ये एक बल्ब मैंने और भी कहीं लगा रखा है, तो ये वहीं से मैंने एक निकाला है। तो ये देखा, ये अगर इसकी रूट्स टूट भी जाती हैं तो कोई बात नहीं है, और अगर ये बल्ब हाफ हो जाता है, टूट जाता है, कट जाता है, तो भी ये ग्रो हो जाता है, इतना हार्डी प्लांट है। बस ऐसे ये लगा देना है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है, इसे आप साल भर किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, कोई भी मौसम हो। अगर लगाने के कुछ दिन बाद ये आपका जो ये प्लांट मर जाता है, सूख जाता है, तो आप इसकी केयर करना ना छोड़िए, पानी इसमें आप हर रोज़ दीजिए, कुछ दिनों के बाद फिर ये निकल आएगा। तो ये सूख जाता है तो ये मत सोचिए कि ये मर गया है, अब हम इसकी केयर नहीं करें। तो अगर आप हरा भरा साल भर देखना चाहते हैं तो इसमें आप फिर पानी दीजिए इसको, और ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा रखिए। तो बस इसी तरह से लगाना है। और फर्टिलाइज़र की बात करूं तो ये मेरे कई सालों से लगा पड़ा है, आज तक मैंने इसमें किसी भी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया, बस पानी ही दिया है। तो ये प्लांट पानी में ही खुश रहता है। बस एक बारी जब मिट्टी बनाई थी पोट में, वही बनाई थी, उसके बाद कोई मुझे कभी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मैं दूसरे प्लांट्स को देती हूँ, और उसका बटर मिल्क वगैरह का भी इस्तेमाल करती हूँ, जहाँ मैं मिल्क का इस्तेमाल करती हूँ, जहाँ कुछ और भी चीज़ें करती हूँ, तो इस पर मैंने कभी नहीं किया, ये ऐसे ही अपने आप ही अच्छे से पानी से ही अच्छे से चलता है। तो इसको फर्टिलाइज़र के तौर पर क्या मिलता है, ये जो इसकी ये फ्लावर्स निकलते हैं, इसकी ये स्टेम है, या जो इनकी पत्तियां जो हैं वो सूखती हैं, तो वो उनकी पत्तियों से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इनकी जड़ों को, इनके बल्ब को मिलते हैं, तो उससे ये इनको बाहर से कुछ और लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो मेरे बहन भाई जो जैसे खेतों में लगाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सोच समझ के उसी हिस्से में लगाएं जहाँ जहाँ उनको ये प्लांट्स चाहिए। अगर उनके वहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर बना रहता है तो उस जगह में ये बहुत खूब अच्छे से फैलते हैं। तो हिमाचल में मैंने कई जगह में अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे देखा, तो कुदरती तौर पे जहाँ पे ज़मीनों में पानी निकला होता है तो लोग वहाँ पे होद बना देते हैं पीने के पानी के लिए, तो मिट्टी आसपास की गिल्ली रहती है, तो वहाँ पे ये अगर कहीं लग जाते हैं
तो फिर ये इतने फैल जाते हैं कि इनको निकालना पड़ता है, फिर फेंकना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो बस यही सब करना पड़ेगा। और प्रीति जी, अगर आप लगाना चाहती हैं तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए, और इसमें बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती, मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये देखिए, मैंने एक प्लास्टिक की ये बोतल, ये बस इतनी हाथ भर जितनी इसकी ये हाइट है, ये प्लास्टिक की। ऐसी वाली जो प्लास्टिक की बोतलें हैं ये बहुत ही मजबूत रहती हैं। ये देखा आपने, अगर जो हम पोट लाते हैं तो वो पोट जो हैं वो धूप में ख़राब हो जाते हैं, और हाथ लगाने पे वो फिर ऐसे झड़ने लगते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। वो बहुत ही कम लाइफ होती है। तो इस तरह की जो पतली बोतलें होती हैं ना, जैसे पानी वाली होती हैं, इस तरह का मटेरियल हो तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं। और जिन प्लांट्स को मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए होता है तो वो इन चीज़ों में बहुत खुश रहते हैं, प्लास्टिक वाली जैसी चीज़ों में बहुत खुश। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये देखिए कितना अच्छा, बहुत ही सुंदर, कितने अच्छे फ्लावर्स ये लग रहे हैं। तो आप जब भी कहीं भी बाज़ार से ले आ सकते हैं ये, इसके बल्ब बाज़ार से नहीं लाना चाहते तो आपके आसपास कहीं आपके फ्रेंड्स के यहाँ लगे हैं तो आप वहाँ से भी इन्हें ले सकते हैं। तो मैं दूर से दिखाती हूँ, तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो आप जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था, वो प्लास्टिक का पोट काट के बताया था, तो मैं उसमें जैसे तेल के डिब्बे खाली होते हैं हमारे, तो मैं अपने जो है गार्डन में काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ, तो वो मैंने वीडियो बनाया था 277। तो वो आप प्लास्टिक के डिब्बों को काटना मेरे तरीके से सीख लीजिए, और वो उसके हैंगिंग पोट बड़े मजबूत होते हैं तो उसमें ये बड़े अच्छे से लगेगी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो होप करती हूँ कि जो शुरुआती के दिन हैं, जिनके अभी सीखा है, जिन्होंने धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो वो इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर जगह दें, और बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है इनके साथ, बहुत ही ईजली, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, ये ऐसे चल पड़ते हैं। तो नमस्ते जी, शुक्रिया। और इस प्लांट को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। और एक वीडियो जो मैंने कुछ दिन पहले जो मैंने बनाया था, कौन सा वीडियो नंबर बनाया था, वो जो मैंने सिखाया था, लगाना सिखाया था, वीडियो नंबर 172, उसमें मैंने बताया था इसके बल्ब कैसे ग्रो करने हैं, तो मैं वो दिखाती हूँ। तो ये जो फ्लावर्स हैं ये थोड़े छोटे साइज़, तो ये देखो ये मैंने प्लास्टिक के पोट में लगा दिए थे, तो ये कितने फैल गए हैं, ये वही वाले 172 वाला वीडियो। और इसमें भी ये कुछ दिनों से ये खिल रहा था फूल, तो ये इस फूल का जो साइज़ है ये बड़ा है। और ये देखो कितने फैल गए बल्ब, ये जब लगाए थे ये अक्टूबर में मैंने ग्रो किए थे, याद आया मेरे को, अक्टूबर में ग्रो किए थे। तो ये किसी भी साल में किसी भी महीने में आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं, और खूब अच्छे से ये फैल जाते हैं ये। और फूल भी ये देखो, तो होप करती हूँ कि मेरे बहन भाई जो अपने गार्डन में जिन्होंने बड़े सुंदर सुंदर प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो इस खूबसूरत पौधे को भी अपने घर में ज़रूर जगह दें। नमस्ते जी, शुक्रिया।